गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन ट्रेंड ज्वेलरी। मेरे इस चैनल में आपको गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के अलग अलग डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल नया डिजाइन गोल्ड मंगलसूत्र का, और ये शॉर्ट मंगलसूत्र है। इसे मंगलसूत्र कंठी भी बोलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह के मंगलसूत्र, लेडीज बहुत पसंद कर रही हैं। डेली कैरी करने के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। जबकि भारी मंगलसूत्र आप सब जानते हैं कि पहनना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह छोटे मोटे पार्टी फंक्शंस में अगर आप इस तरीके के मंगलसूत्र पहने तो बहुत अच्छा लगेगा, और चाहे तो आप डेली भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, मैं डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए टोटली छिलाई का काम है, चेन लगी हुई है और काली मोती का काम है। सबसे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए तीन लटकन लगा रखी है बॉक्स चेन के अंदर, और तीनों छिलाई वाली कैप लगी हुई है और बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तीन घंटियाँ लगी हुई हैं नीचे, और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो जो है एक गोल बोतल की तरह जो है बिल्कुल लंबी छिलाई वाली गोली है, उसके बाद फिर एक गोल गोली है, उसके बाद पाइप वाली गोली है, और फिर उसके बाद जब ऊपर देखेंगे तो आप जो है थोड़ा सा चेन का टुकड़ा लगाया गया है, और ये चेन इंद्रजीत चेन है। उसके बाद ऊपर जो है फिर से छिलाई वाली पाइप लगाई गई है, उसके बाद ऊपर जो है काली मोती के साथ साथ छिलाई की गोली लगाई गई है बीच बीच में, और जो है ये सिंगल लाइन वाला है मंगलसूत्र जो आप देख रहे हैं। सिंगल लाइन का होने के बावजूद ये काफ़ी जो है कंफर्टेबल, और मैं इसको मजबूत भी कह सकता हूँ। और इसमें ऊपर देखिए चेन लगाई गई है। ज़्यादातर मंगलसूत्र में आपको दिखाता हूँ पीछे जो है ब्लैक मोती की चेन होती है, बट इस मंगलसूत्र में जो है पीछे चेन लगाई गई है, और मंगलसूत्र के जो मोती हैं वो बीच में लगाए गए हैं। और क्योंकि ये बिल्कुल डिज़ाइन जो है बिल्कुल अलग है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से चेन में पीछे कुंडा होता है उस तरीके का इसमें कुंडा भी लगा हुआ है, एस कुंडा लगा हुआ है जो काफ़ी मजबूत होता है। और मैं काफ़ी नज़दीक से आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। किसी भी तरीके की ड्रेस पे आप इसको कैरी करेंगे बहुत सुंदर लगेगा। और इसमें कई बार अगर आप चाहें तो इसके कान के स्टड्स भी बनवा सकते हैं सेम डिज़ाइन के, लेकिन यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ जो है मंगलसूत्र दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए एस कुंडा लगा हुआ है, एस कुंडा आप जानते हैं कि काफ़ी मजबूत होता है। इसका जो ग्रॉस वेट है वो है 10 ग्राम 140 मिलीग्राम। यहाँ टैग में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें 600 मिलीग्राम के जो है मोती लगे हुए हैं, बीट्स लगे हुए हैं, वो लेस करके इसका जो नेट वेट है वो है 9 ग्राम 540 मिलीग्राम, और इसका मार्केट प्राइस है 54,806 रुपये। यहाँ पे प्राइस का कैलकुलेशन एवरेज रेट 47,000 रुपीज़ के हिसाब से किया गया है।